केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरींनी लाडकी बहीण योजनेवर केलेल्या वक्तव्याची लाडकी बहीण योजनेवर पैसा द्यावा लागत असल्यामुळेच गुंतवणूकदारांना अनुदानाचे पैसे मिळतील की नाही याची शाश्वती नाही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरींनी अशा शब्दांमध्येच राज्य सरकारला घरचाहेर दिलेला आहे। गुंतवणूकदारांनी शासनाच्या भरवशावर राहू नका असं त्यांनी म्हटलंय। ते नागपुरात अमेझिंग विदर्भ कार्यक्रमादरम्यान उद्योजकांशी संवाद साधत होते आणि त्यावेळेस त्यांनी लाडकी बहीणवरून हे मोठं वक्तव्य केलेलं आहे। अनुदानाचे पैसे मिळण्याची शाश्वती नाही असंच नितिन गडकरी म्हणाले। पाहूया ते नेमकं काय म्हणाले। विदर्भ में टूरिज्म बढ़ना चाहिए, इसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत। शुरुआत में बहुत प्राथमिक स्तर पर विदर्भ के विकास की अनेक संकल्प। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। मिलेगी क्या, मिल सकती है। लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो नेचुरल लटक गई।